फ्रेंड्स आईपीएल 2020 शुरू होने में भी काफ़ी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है और इस नीलामी से पहले सारी 8 टीमों ने अपने कप्तानों के नाम दे दिए हैं। मैं इस वीडियो में सारी टीमों के कप्तानों के नाम आपको बताने वाला हूँ, बताऊँगा कि कौन सी टीम के कौन सा प्लेयर कर रहा है आईपीएल 2020 में कप्तानी। ये सारी कन्फर्म्ड न्यूज़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते IPL 2020 का सीजन तो नीचे का लाइक का बटन देखो उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले खबर पाने के लिए अभी जाइए newjobandfor.com पे, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले साल अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, लेकिन इनकी कप्तानी में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा था टीम का। इसके बाद लास्ट के 5 मैचों में स्टीवन स्मिथ ने इस टीम की कप्तानी करी थी और उसमें से लगभग 85-90% मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीते थे, यानी स्मिथ की कप्तानी में इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और इस सीज़न राजस्थान रॉयल्स ने ये बात कन्फर्म्ड कर दी है कि स्टीवन स्मिथ शुरू से इस टीम के कप्तान होंगे, यानी 2020 के सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए स्टीवन स्मिथ कप्तानी करते हुए कहेंगे। वही दूसरे नंबर पर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले साल सुरेश अय्यर काफ़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय बाद ये टीम प्लेऑफ्स में जगह बनाने में सफल हुई थी। इस वजह से ये टीम इस सीज़न कप्तान नहीं बदलने वाली, सुरेश अय्यर इस टीम के कप्तान होंगे, ये बात भी कन्फर्म्ड है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बात करते हैं SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद की। तो पिछले साल SRH के कप्तानी में काफ़ी बदलाव हुए थे, कभी भुवनेश्वर कुमार कप्तानी करते हुए दिखते थे तो कभी केन विलियमसन, लेकिन इस साल के कप्तान पूरी तरह बदलने वाले। डेविड वॉर्नर एक बार फिर इस टीम की कप्तानी में आ जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर जो कप्तानी का बैन लगा हुआ था, हैदराबाद ने भी एक साल का बैन लगाया था, वो लगभग समाप्त हो चुका है और इस सीजन हैदराबाद के लिए इनके सफल कप्तान डेविड वॉर्नर कप्तानी करते हुए दिखेंगे। वही इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बात करते हैं CSK यानी चेन्नई सुपर किंग की। तो अभी 2 दिन पहले ही CSK के टीम ओनर ने इस बात की घोषणा कर दी है कि IPL 2020 के सीजन में भी MS धोनी ही इनके कप्तान होने वाले हैं, यानी जब तक CSK के लिए MS धोनी खेलेंगे ये किसी दूसरे कप्तान के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसके बाद 5वें नंबर पर बात करते हैं MI यानी मुंबई इंडियंस की। तो जब से 2013 के सीजन से रोहित शर्मा इस टीम के लिए कप्तानी करने लगे, ये टीम IPL की सबसे बेस्ट टीम बन के निकल चुकी है, यानी पिछले 7-8 सीजन में ये MI की टीम को 4 IPL खिताब दिला चुके हैं। तो MI के पास इनसे बढ़िया फिलहाल कोई कप्तान है नहीं और MI की टीम कप्तान चेंज भी नहीं करेगी और रोहित शर्मा एक बार फिर इनके लिए IPL 2020 के सीजन में कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद 6 नंबर पर बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो इस टीम में होगा कप्तान को लेकर बड़ा बदलाव, अश्विन इस टीम को छोड़ने वाले हैं और करंटली इस टीम के ओनर चाहते हैं कि KL राहुल इस टीम की कप्तानी करे और KL राहुल भी तैयार है IPL 2020 के सीजन में इस टीम की कप्तानी करने के लिए, यानी पंजाब की टीम के कप्तान KL राहुल होंगे IPL 2020 के सीजन में। इस बात के 95% चांसेस है, काफी अधिक चांसेस है। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर बात करते हैं KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो अभी कुछ ही दिनों पहले KKR के टीम ओनर्स ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि एक बार फिर IPL 2020 के सीजन में ये टीम दिनेश कार्तिक को ट्राई करने वाली है, अपना कप्तान नहीं बदलने वाली, एक बार और एक सीजन दिनेश कार्तिक को देखना चाहती है कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं KKR के लिए एज ए कैप्टन, यानी IPL 2020 के सीजन के लिए दिनेश कार्तिक की कप्तानी सिक्योर है पूरी तरह KKR में, KKR नहीं बदलेगी अपना कप्तान। इसके बाद 8वें और आखिरी नंबर पर बात करते हैं RCB की। तो कुछ समय पहले खबरें वायरल हो रही थी कि RCB के लिए AB डिविलियर्स IPL 2020 के सीजन में कप्तानी करते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो अपना पूरा IPL करियर RCB के लिए खेलना चाहते हैं, वो जब तक क्रिकेट से रिटायर नहीं होते वो तब तक RCB की टीम में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे RCB की टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तानी से नहीं हटाने वाली, ये बात भी कन्फर्म्ड है। एक आधा सीजन और RCB की टीम कप्तान विराट कोहली को देखेगी वो किस प्रकार से इस टीम की कप्तानी करते हैं और इन्हें आगे ले जाने में सफल होते या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ये होने वाले सारी 8 टीमों के कप्तान IPL 2020 के सीजन के लिए। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी टीम को किस प्लेयर को बनाना चाहिए इस सीजन के लिए कप्तान। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।